प्रेम से बोलिए शिष्य आनंदमयी मात की। माँ से प्रश्न है, माँ मंत्र चैतन्य किसको कहते हैं? माँ, जब मंत्र चैतन्य होता है तब जैसे तुम इस शरीर के साथ बात कर रहे हो, वैसे तुम अपने इष्ट के साथ बात कर सकोगे। ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहते हैं। जैसे तुम इस शरीर को देख रहा है या यह शरीर तुमको देख रहा है, वैसे ऋषि लोग मंत्रों को देखते हैं। जागृत मंत्रों द्वारा जिसको उद्देश्य करके मंत्र उच्चारित होता है वह खुद सम्मुख आ जाता है। प्रश्न करता, मां यह सब कैसे शक्य होता है? मां, सिर्फ गुरु कृपा से। प्रश्न करता, मां तुम तो सदैव एक ही बात ही कहती हो। मां, दूसरी बात है ही नहीं, एक ही है। एक को छोड़ देने से एकाग्रता कैसे प्राप्त करोगे? और यदि मन की एकाग्रता नहीं हुई तो भगवत प्रकाश कैसे मिलेगा? प्रश्न करता, मां कृपा का स्वरूप क्या है? मां, कृपा तो अनुभव की बात है। कृपा से तुम अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कर सकते हो, यह भी कृपा का स्वरूप है। प्रत्येक वस्तु का स्वरूप होता है, करुणा का भी स्वरूप होता है। प्रश्न करता, मां कृपा क्या प्रकाश स्वरूप है? मां, तुम जो देख रहे हो वह प्रकट कृपा है। बाहर प्रकाशित ना हो ऐसी अप्रकाश्य कृपा भी होती है। जैसे वृक्ष किसी को निमंत्रण नहीं देता और ना किसी को भगाता है, जो उसकी छाया में बैठता है उन सबको शीतलता और शांति देता है, वैसे ही महात्माओं के श्री चरणों में बैठने से सच्ची शांति मिलती है। प्रश्न करता, मां भगवान यदि कृपा ना करें तो? मां, कृपा करना भगवान का स्वभाव है। तुम अपना पात्र सीधा रखो भर जाएगा और उल्टा रखो तो बह जाएगा। भगवान जो कुछ करते हैं सब मंगल ही करते हैं। कौन बच्चे को कैसे पालन करना है यह पिता जानता है। पिता कभी मारता भी है तो वह भी कृपा ही है। भगवत राज्य में कृपा ही कृपा है, वहां अकृपा को स्थान है ही नहीं। तुम समझते हो कि अमुक कार्य में उनकी कृपा नहीं है, ऐसा नहीं होता। एक होती है अनुग्रह कृपा और एक होती है निग्रह कृपा। आवश्यकता पड़ने पर विपद देकर विपद हरण करते हैं, यह निग्रह कृपा है। क्रिया जगत में जहां गति है वहां अनेक गति है, भगवत कृपा की भी अनंत गति है। प्रश्न करता, मां साधना भी क्या अनंत है? साधना के अंत में क्या अनंत की प्राप्ति होती है? मां, जब तक भगवत प्राप्ति ना हो तब तक साधना करते रहो, अवश्य प्रकाश मिलेगा। वे स्वयं प्रकाशित होंगे, शून्य में भी पूर्ण है, वह हर जगह में पूर्ण है। साधन करो तो उनकी करुणा कृपा का प्रकाश किसी भी जगह किसी भी क्षण हो सकता है। एक में अनंत है और अनंत में एक है। असली तत्व का भाषा में प्रकाश नहीं हो सकता है। प्रश्न करता, मां जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तू युद्ध कर, सब पापों का जिम्मेदार मैं हूं। तो फिर हम लोग जो पाप करते हैं उनका जिम्मेदार भी तो भगवान को ही होना चाहिए। हम लोग पाप करते हैं उनका जिम्मेदार भगवान क्या नहीं है? मां, वाल्मीकि की बात सुना है? पहले जब वह डाकू थे तब एक बार उन्होंने नारद जी को ही पकड़ा और मारने गया। तब नारद जी ने उनसे पूछा, तुम लोगों को लूटते हो, खून करते हो, तुम्हारे इन सब पापों का भाग लेने वाला कोई है? डाकू ने कहा, मैं लोगों को मारता हूं, लूटता हूं, इस धन से मेरी स्त्री पुत्र पिता माता का पोषण करता हूं, वे सब मेरे पाप के हिस्सेदार हैं। नारद जी ने कहा, अच्छा, तुम घर जाकर अपने माता पिता स्त्री इत्यादि को पूछ आओ।
डाकू ने कहा, मैं घर पूछने जाऊं और कहीं तुम भाग ना जाओ, इसलिए मैं तुमको इस वृक्ष से बांध दूंगा। ऐसा कह नारद जी को बांध कर डाकू अपने घर गया और सबसे पूछा तो सब लोगों ने कहा कि तुम पाप करते हो, इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो, हम नहीं। डाकू नारद जी के पास आया और श्री चरणों की शरण ली। वही डाकू भगवान नाम जप के प्रभाव से वाल्मीकि ऋषि हुआ। इसलिए तुम जो पाप करोगे उसका फल तुमको ही भोगना पड़ेगा। यदि तुमको तुम्हारे पाप का बोझ उठाने वाला कोई मिल जाए तो बहुत अच्छा, फिर तुम जो चाहो करो वह संभालेगा। यंत्र को कोई पाप नहीं लगता, यंत्री को ही पाप लगता है। मोटर एक्सीडेंट होने से मोटर को कोई मारता नहीं, ड्राइवर के सिर पे ही डंडा पड़ता है। तुम्हारे दिल में संदेह है इसलिए पाप लगता है। जो दोष को मिटा सकता है उसको दोष नहीं लगता है। जो सृष्टि का सृजन करता है वही उसका पालन करता है और संहार भी करता है। तुम तुम्हारे पापों के लिए भगवान को दोषी नहीं बना सकते। भगवान तो सबसे परे हैं, जिसकी दोष दृष्टि है उसको ही दोष लगता है। प्रश्न करता, मां क्या समाधि अवस्था में भी श्वासोश्वास की क्रिया चलती है? मां, एक बात है, समाधि भी तरह तरह की होती है। भाव समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, किसी किसी में श्वास रहता है और किसी किसी में श्वास नहीं रहता। इसमें डॉक्टरों की बुद्धि काम नहीं करती है। प्रश्न करता, मां आत्मसमर्पण के समय मुक्ति की भावना रहनी चाहिए कि नहीं? मां, मुक्ति अमुक्ति की तरफ दृष्टि ही मत दो। भगवान के श्री चरण कमलों में सब कुछ समर्पित कर दो। भगवान की जैसी इच्छा वह तुमको कुछ दें या ना दें, इससे मुक्ति मिलेगी कि भक्ति मिलेगी वह तो देने वाला भगवान सब कुछ जानता है। प्रश्न करता, मां शुद्ध प्रेम का क्या स्वरूप है? मां, प्रेम का स्वरूप तो अपने आप स्वयं प्रकाशित होता है। सद ग्रंथों में उसके ऊपर लेख मिलेंगे। प्रेम का एक लक्षण यह है कि वह प्रेम अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय है। तुम्हारा किसी मित्र के साथ खूब प्रेम हो गया है, वह प्रेम कैसा है वह तो प्रेम का अनुभव करने वाला ही जानता है। रसगुल्ला जब मुख में जाता है तब ही उसके स्वाद का अनुभव होता है। प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की।